राजधानी बन चुके इंदौर में लगातार हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां मामूली विवाद के बाद एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल पहुंचाया, वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर में फिर हुई हत्या, मामूली पानी भरने के लिए हुआ विवाद, एक युवक ने चाकू से गोदकर की हत्या, पुलिस ने किया हत्या के आरोपी को गिरफ्तार। जी हाँ, पूरी घटना इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के गोमा की फैल की है, जहां मृतक कल्लन अली का विवाद जितेंद्र उर्फ जीतू से पानी भरने को लेकर हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि आरोपी जीतू ने कल्लन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कल्लन की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल पहुंचाया। मामूली विवाद के बाद हत्या की इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गोमा की फैल में पास में रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच में विवाद हुआ। उनके बीच में नल भी कॉमन है और एक बॉक्स रखा हुआ था लकड़ी का, उसको हटाने की बात को लेकर के उनमें विवाद हुआ, मारपीट हुई, जिसमें जितेंद्र उर्फ जीतू ने कल्लन उर्फ कालू को चाकू से वार किया, जिसको अस्पताल ले गए और अस्पताल में से मृत घोषित कर दिया। तो हत्या के इस प्रकरण में सनसनी के तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसको आरोपी को राउंड अप कर लिया है, जितेंद्र उर्फ जीतू को पूछताछ कर रहे हैं और उससे शीघ्र ही आला जरब और बरामद करके कार्रवाई करेंगे। सर क्या करता है मृतक? मृतक पानीपुरी का ठेला लगाता है और जो मारने वाला है वो किसी इलेक्ट्रिक की दुकान में काम करता है। मार दिया यहाँ पे करीब पे उसको। क्या नाम है जिसने मारा उसको? उसका नाम मेरे को नहीं पता है, जीतू नाम है। जीतू जिसको चाकू मारा वो कौन है? वो जीतू है, जिसको चाकू मारा उसके कल्लन नाम है। और मारने वाले का? कल्लन मारने वाले का वो नाम है। क्या कारण है, क्यों मारा? वो पानी भरने के चक्कर में मारा था सब। ऐसा? हाँ, उसकी घर वाली पानी भर रही थी यहाँ पे, तो जूती भाभी ने बोला कि यहाँ से मत भरो, तो नहीं बोली कि हम यहीं से भरेंगे, हम तुम्हारे अंदर से नहीं भरेंगे। तो वो जो वो लकड़ी रखा हुआ था उसको हटा के उधर पटक दिया उसने, तो वो इसलिए हो गया। वो लड़का ने चाकू लेके मार दिया उसके। चाकू अकेले ही था क्या वो? हाँ, वो अकेले था। क्या करता क्या है? मतलब जिसके काम करता है। जूस का? कौन कौन लड़का उसके यहाँ पे? उसके दो लड़कियां हैं, और जो बेहोश हो गया है वो लड़का ना, वो भाई है छोटा वाला। अच्छा, और घर वाली? और घर वाली है उसके साथ में। आपका नाम क्या है? हमारा तो गुलशन नाम है।